मार्केट में बहुत सारे लोग ई रिक्शॉज बना रहे हैं। मतलब आप मानो मैं चाइना से एक किट लेके आया, मेरे पास वेल्डिंग मशीन है, मैंने चद्दर बैंड करी, शीशा लगाया, लाइट लगाई और मैंने कहा भैया ये मेरी बैटरी है और ये बैटरी के साथ मेरी रिक्शा है, आप जगह चला लो। बहुत सस्ते में दे दिया, लोगों ने चलाया, 6 महीने तक गाड़ी बढ़िया चली और 6 महीने के बाद वो गाड़ी हो गई ख़राब। ये कहानी है मार्केट में आने वाले 60-70% लेड एसिड बैटरी वाले ई रिक्शाज की। वैसा ही एक ई रिक्शा ये भी है, बट इसके साथ कहानी दूसरी है। कहानी ये कि इसकी बैटरियों पे 18 महीने की वारंटी मिलती है और 140 एम्पियर की बैटरियों के साथ में महिंद्रा के घर से आने के कारण ये 95 किलोमीटर की रेंज क्लेम करता है। पहले हमारे पास ये रिक्शा आई थी, हमने अब चलाया था, मतलब इसका पुराना वाला वर्जन, तो रेंज हमें बहुत कम मिली थी। हमने महिंद्रा को टकाटक लिख दिया कि भैया इसकी रेंज बहुत कम आती है, ये रिक्शा ठीक नहीं है। फिर उन्होंने 6 महीने बाद हमें ये रिक्शा भेजा और उन्होंने कहा कि भैया ये वाला आप चेक करो, ये वाले रिक्शे की रेंज बहुत बढ़िया है। हमने कहा ठीक है, अब हमने इसको चलाया तो हमें वाकई में 85 किलोमीटर की रेंज इसमें हमें मिली है। लोड के साथ में चलाया, सिटी में चलाया, आंदरबार चलाया, तो मैं बता देता हूँ घूम के कितनी लंबाई है, चौड़ाई है, कितने लोग बैठा सकते हैं और क्या सारी चीज़ें आती है। क्योंकि आपको मैंने एक बेसिक चीज़ तो बताई दी कि 85 किलोमीटर आपका चार्ज करने के बाद प्रॉपर चलता है और ओवरनाइट घर पे 15-16 एम्पियर वाले सॉकेट में चार्ज हो जाएगा। तो चलिए आज की बात करते हैं इस महिंद्रा के घर से आने वाले अल्फा सुपर के बारे में। याद करना ये अल्फा मिनी नहीं है, ये अल्फा सुपर है, अल्फा मिनी का बड़ा भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप देखते हो अल्फा सुपर को तो अल्फा मिनी से बहुत अलग नहीं है, पर बहुत कुछ अलग किया हुआ है, तब भी इन्होंने अलग किया हुआ है। वो मजबूती बढ़ाई है और काफ़ी सारी चीज़ें और बढ़ाई है। विंडशील्ड एक्चुअली बड़ा है, महिंद्रा का सपोर्ट है, यहाँ पे लिखा होता है कि अगर कोई दिक्कत आती तो भाई लगा लो 1-800-267-0102 लगा सकते हो, वो चीज़ है। यहाँ पे कुछ और स्टिकर्स इसमें की दिखाते, क्वालिटी ओके वगैरह, वाइपर वगैरह ठीक ठीक है, मतलब बारिश में आपका काम करेगा। अब यहाँ से जो इनका पेंट वगैरह है, जो शो वगैरह है, उसमें देखो आप यहाँ महिंद्रा का आपको एक DNA देखने को मिलेगा, वो मुझे अच्छा लगता है। एक्चुअली यहाँ पे क्रोम वगैरह भी आप देखने को मिलेगा तो वो ठीक है। ये आपको लाइट्स, अब ये जो डुअल लाइट्स हैं, मतलब ओवरऑल अगर आपका हो गया ना हैलोजन वाले, तो ठीक ठीक काम करते हैं। सिटी में आप चलाते हो कभी, ऐसा तो है नहीं कि मतलब इसको कोई बहुत अलग जगह लेके जाओगे, तो सिटी के हिसाब से ये ठीक ठाक आपका काम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसा ई रिक्शास में हमने देखा जनरली, हालांकि कोई LED वगैरह का सेटअप नहीं है, क्योंकि इसको ना आपको एक उस कीमत पर देने की कोशिश की गई है जिस कीमत पर आप इसको अफोर्ड कर सको और आप एक वो आपके घर में एक महिंद्रा आ सके और उसका भरोसा आ सके। ये टायर आपको थोड़ा चौड़ा दिखेगा पहले वाले कंपैरिजन से, अगर देखो ये अल्फा सुपर है, अल्फा मिनी की अगर हम बात करें वहाँ थोड़ा सा चौड़ा दिखेगा। जैसे कि अगर वहाँ देखो तो जैसे ये वाला टायर 4-50-10 का टायर है, वो मेरे हिसाब से काफ़ी ठीक है। और यहाँ पर आपको एक टेलीस्कोपिक वॉक मिलेगा। अब ये सिंगल है और इसमें ठीक ठीक आपका मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हैंडल आपका बहुत बबल करेगा कोई चीज़ करेगी, क्योंकि स्पीड कम है। तो गाड़ी की अगर टॉप स्पीड की बात करें तो 25 km/h की है, मतलब 25 km/h ये अपने हैवी मोड में जाता है। 3 मोड आते हैं, लाइट, मीडियम और हैवी, तो भाई हैवी मोड के अंदर अगर मोटर की ट्यूनिंग की बात करें तो वो चीज़ है। अब अगर पीछे की तरफ पहले मैं आपको बता दूं कुछ और चीज़ों के बारे में, तो ये मोटर लगी है वो आपकी 2.1 HP की मोटर है, अब बुशलेस DC मोटर है। तो आप देख लो कि मेजॉरिटी ऑफ द जो लोग हैं मार्केट में बुशलेस DC मोटर जो है यूज़ करते हैं, और IP67 रेटेड है, पानी वानी नहीं भरेगा उसके अंदर। तो पानी वानी से अगर आपकी गाड़ी जा रही है तो आपको ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, मतलब भाई अगर एक ऐसे चलेगा ही दौड़ के तो पता नहीं, ऐसे डुबा के मत रखना पानी में रात भर, है ना, या कहीं वाटर लॉक एरिया में मत लेके जाना। पहले आपको ड्राइवर विंडो से ही दिखा देता हूँ, तो गेट का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, आप इधर से भी अंदर जाओ उधर से भी अंदर जाओ, ओपन है पूरी की पूरी गाड़ी। कैनोपी का जो है वो भी सॉफ्ट कैनोपी में आती है, हार्ड कैनोपी में ये नहीं आती है। अब यहाँ पे आपको 2 स्विचेस मिलते हैं, एक वाइपर के लिए और एक हेडलैम्प के लिए, तो आप हेडलैम्प वगैरह यहाँ से जला सकते हो और बाकी वाइपर वगैरह होते हैं। अब इसका जो मीटर कंसोल है उसके बारे में एक कमाल की बात है। अब इसमें मुझे 3 शिकायतें हैं और ये 3 शिकायतें मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़, एक ट्रिप मीटर देना चाहिए आपको। ट्रिप मीटर का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे मैंने गाड़ी आज सुबह चार्ज किया और चार्ज करके मैं चला रहा हूँ, तो मुझे ट्रिप पता होना चाहिए कि मैंने आज गाड़ी टोटल कितनी चला ली। जैसे भाई मेरे को 50 किलोमीटर चलाने के बाद लगेगा कि चलो अब घर चलना चाहिए ट्रिप मार के, या मेरे को लगेगा 80 किलोमीटर चलने के बाद मुझे घर चलना चाहिए, वो मुझे नहीं पता चलता कि सुबह से मैंने शाम तक कितने चक्कर मारे हैं, कितनी गाड़ी चलाई है। जितनी बार चाबी को बंद करके चालू करता हूँ वो आपका रीसेट हो जाता है, मुझे बिल्कुल। दूसरी चीज़ जो इसमें SOC दिखाता है वो बार्स में दिखाता है, कभी 3 बार हो जाते हैं, कभी 6 हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं, तो दिक्कत क्या होती है ना वहाँ पे, मतलब 5 से ज़्यादा होते ही नहीं वहाँ पे, तो दिक्कत क्या होती है, परसेंटेज में नहीं दिखाता वो। तो ये 2 मेजर हाईलाइट्स हैं जो इसको कैटर करनी चाहिए, तो मुझे वो थोड़ा सा लगता है। और एक वो तीसरा वाला मेरा वही है कि भाई ट्रिप रीसेट करने के लिए बटन वगैरह नहीं है, ऑडोमीटर में कितनी गाड़ी टोटल चली है, ऑटोमीटर का ही रीडिंग दे दो, तो वो सब नहीं आता, वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। बाकी है, हैंडल वगैरह फिट फिनिश ठीक है, यहाँ से आपका ब्रेक वगैरह भी काम करता है, वायर्ड है वो ऑब्वियसली, और यहाँ पे जो क्वालिटी वगैरह है मतलब वो सेटिस्फैक्ट्री है।
थोड़ी बहुत ओपन लूज वायरिंग और कनेक्टर्स कपलर्स यहाँ पे दिखते हैं, बट ये एक्सेप्टेबल है क्योंकि मैं जिस कीमत पे गाड़ी खरीद रहा हूँ वहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करता कि मतलब एकदम पूरा हिडन हो जाए, थोड़ा बहुत जगह सामान यहाँ यहाँ है। और यहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ी बहुत ऐसे मतलब डिज़ाइन एस्थेटिक एलिमेंट्स उन्होंने देने की कोशिश की है, बाकी ना ही कोई अंदर केबिन में लाइट मिलती है, ना ही मुझे ऐसा कोई म्यूजिक सिस्टम जैसी कोई लग्जरीज यहाँ देखने को मिलती है, ना ही कोई बॉटल होल्डर देखने को मिलता है। तो एक जो कुछ मूलभूत बेसिक चीज़ें हैं जो आजकल हम जनरली और ई रिक्शाज में देख रहे हैं वो नहीं मिलेंगी, बट महिंद्रा का भरोसा है भाई, वो चीज़ तो एक आपको देखने को मिलेगी। बाकी आपको यहाँ पे ये हैंड ब्रेक है, जैसे कि जनरली लगता है थोड़े दिनों में आदत हो जाएगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी, और यहाँ नीचे की तरफ से ब्रेक भी लगता है। अब जनरली सीट्स के नीचे हमने देखा है कुछ ना कुछ स्टोरेज होती है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सीट जो है आपके नीचे से ओपन आती है, वो कहानी है। तो ड्राइवर डोर से इतना ही कुछ है, मतलब वहाँ से आपको बैठक वगैरह ठीक है, सीट ये चौड़ी है, ये चौड़ी है, सिटिंग पोस्चर बढ़िया है तो वो ठीक है, बाकी आपको ऐसा कुछ खास देखने को मिलेगा नहीं। अब अगर आप बात करोगे यहाँ बैठ के, तो अगर आप पीछे बैठ रहे हो तो देखो पीछे आपकी जैसे डी प्लस फोर में ड्राइवर के साथ चार लोग आराम से बैठ सकते हैं, तो ड्राइवर के साथ चार लोग बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो मैं भी मानता हूँ, यहाँ से भी आपको बढ़िया प्रोटेक्शन है, यहाँ से भी बढ़िया प्रोटेक्शन है, सारी चीज़ें। अब ओवरऑल अगर चीज़ें देखोगे यहाँ पे सारी चीज़ें देखोगे, ये अगर आपको हैंडल्स वगैरह की बात लगेगी और बाकी सब चीज़ों की बात लगेगी, तो आपको कोई ऐसा नहीं लगेगा यार कुछ चीज़ छोड़ दी इन्होंने, मतलब सवारी के हिसाब से तो सवारी के चढ़ने उतरने के लिए बढ़िया है, ग्राउंड से हाइट बढ़िया है, बच्चे बच्चे चढ़ रहे हैं, छोटे कोई मतलब बुजुर्ग महिलाएं आराम से बैठ सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीट रैगजीन वगैरह ऐसी है कि भाई 6-7 महीने तो कुछ नहीं होना, साल भर कुछ नहीं होना, आपको अगर शौक होता है हम लोग को तो जनरली आप फिर क्या कर सकते हो, फिर वहाँ पर आप एक अपना सीट कवर लगवा लेना, दैट्स वन पार्ट। और बाकी नीचे फ्लोरिंग वगैरह देखो एंटी स्किड मिलती है, स्लिप वगैरह आप नहीं हो गए, ऐसा पानी वानी भी पड़ा है कई बार बारिश वारिश में अगर गाड़ी चल रही तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके नीचे एक कहानी आती है जो कि मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये वाली कहानी आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ये वाली स्टोरी आपको जानना ज़रूरी है। पहली बात तो कि यहाँ पे आपको कोई बैटरी देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ पे सिर्फ आपको जो है सारा कंट्रोलर मॉड्यूल मिलता है, जैसे कि पूरा करंट मोटर और बैटरियों के बीच में कंट्रोल होता है। ये आपका एक चार्जर मिलता है जो कि 18 वोल्ट का, सरप्राइजिंगली एक्चुअली ये बड़ा चार्जर है, ये वाला चार्जर आप देखोगे तो ये चार्जर थोड़ा सा बड़ा होता है, तो ये आपको एक चार्जर मिलता है। और इसकी वारंटी का अलग सीन होता है, तो जब भी आप जाओगे तो आप एक बार इसकी वारंटी अलग पूछना, मुझे कई लोग कमेंट करके बताते हैं कि भैया चार्जर की वारंटी का क्या है, तो जब आप गाड़ी खरीदो तब पूछना है महिंद्रा के शोरूम पे, तो वो चीज़ है। बाकी स्टेपनी अंदर दी हुई तो आपको थोड़ी हेल्प हो जाती है, क्यों ही वगैरह नहीं होती वो स्टेपनी, बेसिकली वो कॉन्सेप्ट है। अब अगर मैं यहाँ दिखाऊँ तो आपको यहाँ देखेंगी चार बैटरियाँ, अब ये जो चारों बैटरियाँ हैं इनके साथ में आप कहानी है कि ये आपकी 48 वोल्ट की होती है, 12 वोल्ट में लाके 48 वोल्ट, और ओवरऑल आप देखोगे तो 140 एम्स की आने लगी, जिस कारण से फ़ायदा क्या होता है देखो, तो ये पट्टा वट्टा भी लगा रखा है उन्होंने प्रॉपर तरीके से ताकि वो बैटरी वहाँ टाइट अप रहे, तो अब इससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी बैटरी की गाड़ी की जो रेंज है वो इन बैटरी के कारण थोड़ी सी ज़्यादा आती है। मैं यहीं से निकल के आ जाता हूँ क्योंकि आराम से निकलना ईजी है, तो ईजी निकल के आ जाएंगे, कोई फाइंडर वेंडर ऐसा अच्छा नहीं है, 90-90-12 के टायर होते हैं, वो आपको नोट करने वाली चीज़ है। अगर यहाँ से देखोगे तो आपको थोड़ा सा एलिमेंट देखने को मिलेगा, सॉफ्ट कैनोपी है तो ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस मत रखना, वो करना। अब अगर आप यहाँ देखने की कोशिश करोगे तो आपको इंडिकेटर, बैक लाइट, ब्रेक लाइट, रिफ्लेक्टर सारा कुछ देखने को मिलता है, खड़ा होकर लगाया हुआ ये तो उस हिसाब से चीज़ें, तो ब्रेक लाइट, बैक लाइट, रिफ्लेक्टर सारी चीज़ें, पीछे से आपको ये बम्पर वगैरह भी देखने को मिलता है, और आगे पीछे की तरफ आपको रिजिड लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलती है, जिस कारण से आपको सस्पेंशन के बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कहते हैं मजबूत सस्पेंशन महिंद्रा कहता है, तो लीफ स्प्रिंग से ज़्यादा मजबूत कुछ और होता भी नहीं, तो वो एक कहानी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ओवरऑल यहाँ से भी आपको स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में सही चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश करूँ तो मैं उसको थोड़ा सा पलटा लेता हूँ ताकि आपको नीचे चैसी फ्रेम मेरे कैमरा में दिखा सके, तो अगर मैं इसको थोड़ा पलटा लेता हूँ तो आप यहाँ देखिए पीछे की तरफ आपको 2.1 किलोवाट आर की मोटर देखने को मिलेगी। ये मोटर जो है वो ठीक ठीक है, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं, और पीछे की तरफ आप देखोगे तो जो कपलिंग वगैरह लगा रखी है वो सारी बढ़िया है, चैसी वगैरह आपको मजबूत दिखेगी, ऐसा जैसा नहीं है कि चैसी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो। और अगर आप ओवरऑल पूरे के रिक्शा को देखने की कोशिश करोगे तो आपको कोई ऐसी चीज़ लगेगी जो महिंद्रा ने बहुत बड़ा कुछ एक गैप छोड़ दिया, वो चीज़ छोड़ दी। देखो उन्होंने रेंज के लिए बैटरियाँ कैटर करने की कोशिश की है, उन्होंने मोटर में पावर बढ़ाने की कोशिश की है ताकि आपकी टॉप स्पीड थोड़ी सी बेटर आ जाए, और 3 मोड भी देने की कोशिश की, लाइट, मीडियम, हैवी, तो वो सारी कहानी इसके बारे में है। अब चलिए इसके बारे में फाइनल बातें कर लेते हैं और आपको बता देता हूँ, और हाँ कीमत के लिए महिंद्रा का टोल फ्री नंबर नीचे आ रहा है, आप सिर्फ उसी पे कॉल लगाओ तो आपको एक्चुअली अपने नियरेस्ट रीजन में पता चलेगा कि यार इसकी एक्चुअल कीमत क्या आती है, इसकी क्या प्राइस आती है। तो ये कुछ बातें थी महिंद्रा सुपर के बारे में। अगर आपको 25 की टॉप स्पीड से कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 25 तक की टॉप स्पीड, आपको अगर 85 तक की प्रैक्टिकल रेंज से कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपको लग रहा है कि आपको महिंद्रा का जो भरोसा चाहिए और जैसे 10 लाख रुपए का बीमा इस गाड़ी के साथ में देते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें देते हैं, अगर आपको वो सब चीज़ें बढ़िया लगती है तो ये गाड़ी आप ले सकते हो। अगर आपका बजट इतना ही है तो, अगर ऑब्वियसली आपका बजट काफ़ी मतलब बढ़ा सकते हो, ज़्यादा फाइनेंस ले सकते हो, तो आप एक काम करो, ये वाली जो सेगमेंट है, जो लेड एसिड वाली सेगमेंट है, इसको आप मत लो, ये वाली बैटरी का सेगमेंट मत लो, आप लिथियम आयन वाली बैटरी लो। जैसे दिल्ली में क्या है, लेड एसिड बैन है, दिल्ली में आप इसको खरीद ही नहीं सकते, तो आप ये लेड एसिड वाला मत लो, आप सीधा कौन सा वाला ले लो, आप लिथियम आयन वाला ले लो,
थोड़ा ज़्यादा सहूलियत भरा रहेगा, आपकी ज़्यादा सहूलियत से काम बन जाएगा और आपका रिक्शा चलाने का मकसद पूरा हो जाएगा। बाकी ये कुछ बातें थी इस गाड़ी और रिक्शा के बारे में। अब उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लेके आते रहते हैं और ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए बिहाइंड द व्हील्स आपका इंतजार कर रहा है सब्सक्राइब करने के लिए। मिलूंगा आपसे बहुत जल्द ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।